गाइस, तो आज हम आपके लिए एक न्यू वीडियो लाए हैं और एक न्यू गेस्ट लाए हैं। तो वेलकम कीजिए हमारी सिस्टर को, जो डांस वीडियोस में भी हमारे साथ आती है। इसका नेम है माहिरा एंड शी इज 8 इयर्स ओल्ड। तो आज हम इसके साथ बनाने वाले हैं चॉकलेट। हमारे पास ये न्यू मोल्ड्स आए हैं, हमारा न्यू कुकिंग इक्विपमेंट है। तो ये हमारे स्टार वाले मोल्ड्स हैं, अब हम इनमें चॉकलेट बनाएंगे। ये मैं आपको हमने यहाँ पे 1 कप वाटर लिया है। ये हमारे मोल्ड्स हैं। ये हमने चावल का आटा लिया है चॉकलेट के लिए, एंड ये हमने थोड़ी सी पाउडर शुगर ली है, और ये बॉर्नविटा इसमें हमने डाला है 1 कप वाटर, एंड थोड़ा सा इसे हीट होने तक हम ऐसे ही चलाएंगे। एंड जैसे ये थोड़ा सा हीट होगा, जैसे अभी इसमें से वेपर्स निकल रहे हैं गाइस, ये जैसे वेपर्स निकलने लग जाए इसमें, अब हम इसमें डालेंगे 2 कप्स चीनी। मिक्स इट गाइस, जब तक ये चाशनी नहीं बन जाती, ये मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे चलाते रहना है। गाइस, अब ये हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है, एंड आपको पता है कि हम इसकी स्टिकी कंसिस्टेंसी कैसे चेक करते हैं। हम ऐसे चेक करते हैं थोड़ा सा, जब हमारे हाथ चिपक, तो अब ये रेडी हो गया है, एंड अब इसे थोड़ा सा कूल डाउन होने के लिए रखते हैं। गाइस, अब फाइनली हम इसमें डाल रहे हैं बटर, थोड़ा सा 1 ounce ऑफ बटर, जब तक ये मेल्ट हो जाएगा थोड़ा जो सा, हमने कट करके डाला था। तो ये चाशनी में मेल्ट हो रहा है, एंड ये बटर का बहुत ही अच्छा कलर आता है, और ये सॉफ्टनेस। तो गाइस, फाइनली इसका येलो कलर आ गया है, एंड ये अच्छे से पक गई है, एंड बहुत ही मिल्की विल्की फ्लेवर आ रहा है इसमें, क्योंकि दी ने बोल यूज करेगा तो ये ऐसे वाला येलो कलर ला सकते। तो गाइस, ये चाशनी की कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए, बिल्कुल ऐसे। तो अब हम फाइनली इसमें अपना राइस फ्लोर डालेंगे। आप मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, बट क्योंकि मेरे पास चावल का आटा था, तो मैंने चावल का आटा यूज़ करा है इसमें। तो अब हम इसमें 2 tablespoons चावल का आटा डालेंगे। गाइस, ये हमने डाल दिया 1 tablespoon पाउडर एंड 2 tablespoon। तो गाइस, फाइनली अच्छे से मिक्स करना है ऐसे, हाँ, ऐसे ताकि लम्स ना पड़े। फाइनली अब हम इसमें अपना मेन इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, वो है बॉर्नविटा। तो इसमें 2 cups बॉर्नविटा डाला है हमने अप्रॉक्सीमेटली, एंड अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे। एंड अगर कंसिस्टेंसी सही नहीं आती है तो आप इसमें मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी आ रही है, एंड इट इज़ लुकिंग सो चॉकलेटी एंड सो यम्मी। गाइस, फाइनली अब ये कूल डाउन हो गया है, एंड थोड़ा अभी भी इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी शुड बी लाइक दिस, लाइक हनी। एंड इसे गैस को हम टर्न ऑफ कर देते हैं इसमें बिल्कुल, एंड ये कूल डाउन हो गया है हमारा, एंड फाइनली अब हम इसे मोल्ड्स में भरेंगे। तो गाइस, मैंने इसे हीट से निकाल लिया है, एंड थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है, इट्स वेरी थिक। अब हम इसे मोल्ड्स में फिल करते हैं। तो ये हमारे स्टार वाले मोल्ड्स हैं, आप कोई भी मोल्ड ले सकते हैं जो आपको पसंद है, एंड ये हमारा न्यू कुकिंग इक्विपमेंट है। तो अभी हम इसे फिल करना स्टार्ट करते हैं। गाइस, अब फाइनली हम इसमें स्पून में भर के इसे अच्छे से इस स्टार वाले में फिल करते हैं शेप, जब तक ऊपर ब्रिम तक अच्छे से फिल नहीं हो जाता। गाइस, ये चॉकलेट्स बहुत ही हार्ड और बहुत ही यम्मी बनती है। सी हमारी कैसी बन रही है चॉकलेट। फाइनली हमने एक ही भर दिया है, आप देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है ये छोटा सा, एंड अब हम बाकी भर लेंगे। गाइस, फाइनली ऐसे हमारे मोल्ड्स रेडी हो गए हैं, थोड़ा सा मैसी है, बट जब ये निकलेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। और अभी हम इसे ओवरनाइट सेट होने के लिए रख रहे हैं, एंड ये हमारा बैटर हमने सारा इसमें फिल कर दिया है। सो आपको मिलते हैं कल, आपको दिखाते हैं कि ये कैसे निकलेंगी। गाइस, तो अब ये जो मेरी चॉकलेट है उसे मैं मोल्ड से निकालूंगी, तो बहुत ही सॉफ्ट हो गई है ये चॉकलेट। सी गाइस, कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी हो गई है ये चॉकलेट्स। थोड़ा सा मोल्ड से बाहर निकल रही है, बट शेप आ गई है इसकी बहुत अच्छी। ऐसे ही हम सारी चॉकलेट्स को निकाल लेंगे।